Hello students, welcome back to another video session, or you watching your favorite YouTube channel IIT Jhon Tutorial, and I'm with you Subhashish Das, your loving physics teacher. तो चलो आज मैं obviously physics का ही video ज़्यादा बनाता हूँ, लेकिन maths का भी video बना रहा हूँ और इंतज़ार करो maths में भी continuation होगा. मैंने इसके पहले भी बार कहा था maths का video अपलोड होगा, लेकिन नहीं कर पाया हूँ, करूँगा. तो अभी आज मैं बताना चाहता हूँ कि कंटिन्यू मैं कुछ 12 का वीडियोस बना रहा हूँ, अपलोड भी किया हूँ, और साथ साथ 11th के बच्चे को निराश नहीं होना चाहिए, उनके लिए भी वीडियोस है. तो आज क्लास 11 पोर्शन से मैकेनिक्स पर. तो क्लास 11 का कंटेंट तो हमेशा सिर्फ 11 के लिए ही नहीं, बल्कि 12 और इवन 12 पास आउट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. और हम मैं जानता हूँ कि मैकेनिक्स एक ऐसा सेक्शन है फिजिक्स में जहाँ से आप जितना भी प्रैक्टिस करते रहो है ना, लगता है कि पूरा हो ही नहीं रहा है, पूरा रीच नहीं कर पा रहे हैं. तो चलो, अच्छा इस वीडियो को शुरू तो कर रहा हूँ, लेकिन एक बात सबसे कहना चाह रहा हूँ, जो भी वीडियो को देख रहे हो उसको पूरा अंत तक देखना है ना, छूटना नहीं चाहिए, बीच में से स्किप नहीं करना. अदरवाइज़ क्या होगा, आपको इस चैनल में जो वीडियो बनता है वीडियो का लेंथ पे मत जाओ, है ना, कि बहुत सारा वीडियोस है किसी चैनल में कॉन्स्टेंटली है ना 1 आवर या उससे भी ज़्यादा का बनता है. मैं प्रेफरेबली शॉर्टर लेंथ का वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जो जितना देर का वीडियो है वो इफ़ेक्टिव है, तो इसलिए पूरा वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आए, आप सीखें और आपको एक वैल्यू एडेड टाइम स्पेंडिंग मैकेनिज्म समझ में आए. तो चलिए शुरू करते हैं. ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है. मैकेनिक्स में तो आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, आपका ग्रिप उतना बढ़िया होता जाएगा, ठीक है ना. तो चलो मैं कोशिश किया हूँ कि डायग्राम को इफ़ेक्टिवली ड्रॉ कर सकूँ, ठीक है, ओके. ये हॉरिजेंटल लाइन ठीक हुआ ना, हाँ, कभी कई बार हॉरिजेंटल लाइन थोड़ा स्लोप में बन जाता है. तो चलो ये एक ट्रैक है, ए बी सी और आगे इधर डी है, ठीक है ना. ये सी डी ले लेते हैं, मान लो ये डी है, ठीक है, ये है थीटा, लेट आर बी द रेडियस. ए बी सी जो है, ए बी सी इज अ सर्क्यूलर आर्क इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है, सर्क्यूलर आर्क इन वर्टिकल प्लेन. ओ ए ज्योमेट्री से ये ओ सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ टू ए इज अ हॉरिजेंटल लाइन, यानी कि आप इनिशियल पोजीशन मतलब ए का पोजीशन आप समझ सकते हो, ठीक है ना, हॉरिजेंटल लाइन. अब दिया है कि अ मास इज रिलीज्ड, ये हो गया एक मास एम, अ मास एम इज रिलीज्ड, मास एम इज रिलीज्ड एट ए ऑन स्मूथ सर्क्यूलर ट्रैक. आपको सर्क्यूलर ट्रैक दिख रहा है, ठीक है, इस सर्क्यूलर ट्रैक में ए पॉइंट पे एक मास एम को रिलीज किया गया. अब ये जो पार्टिकल है ऑब्वियसली इस लाइन में आके ट्रैवल करेगा और वो यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से बाहर जाएगा. तो हमको पता करना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द पार्टिकल, यानी कि जो गिवन मास है, द पार्टिकल लीविंग द ट्रैक एट सी कैन ट्रैवल फॉर, इधर लिख देता हूँ, फॉर मैक्सिमम
horizontal maximum horizontal range. ये जो CD जो horizontal surface देख रहे हैं, ये यहाँ एक particle ऐसे on the inner surface of this vertical circular smooth circular track में particle को यहाँ से छोड़ा गया, it is released from rest. ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा, travel करेगा यहाँ, obviously C पॉइंट से वो लीव करेगा विथ सम अननोन वी कितना है पता नहीं, ये नहीं दिया है. तो हमको क्या करना है, इस डायग्राम वाइज सिर्फ इतना पता है कि एम मास का इस पार्टिकल को ए पॉइंट और ओ ए हॉरिजेंटल दिया है, मतलब ये जो वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक का है ना, ये लाइन हॉरिजेंटल, मतलब इनिशियल जो वेट है यहाँ डेफिनेटली ऐसे लग रहा है, और वो ये टेंजेंशियल लाइन है, ये टेंजेंशियल लाइन, समझ रहे हैं कि नहीं, टेंजेंशियल लाइन, और उसी टेंजेंशियल लाइन के अलोंग पार्टिकल का वेट mg काम करेगा. ठीक है ना, तो ये है इनिशियल सिचुएशन, पार्टिकल ऐसे स्लाइड करके c से स्किप करके निकल जाएगा फ्रॉम द ट्रैक. इट इज़ अ स्मूथ ट्रैक सजेस्टेड नो म्यू वैल्यू. इसका मतलब है यहाँ से निकलने के बाद ये पार्टिकल का मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि पार्टिकल का एक ऐसे प्रोजेक्टाइल होना चाहिए. ठीक है, पार्टिकल का अगर इस तरह का एक प्रोजेक्टाइल होगा तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कैन बी समथिंग एक्स. तो ये एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए हमको थीटा का वैल्यू क्या चाहिए, थीटा वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये हॉरिजेंटल रेंज मैक्सिमम है. ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम से आपको साफ पता चल रहा है ए और सी जहाँ से छोड़ा गया और पार्टिकल जहाँ से सर्कुलर ट्रैक को लीव कर रहा है, दैट पॉइंट सी, दे आर नॉट अपीयरिंग ऑन सेम हॉरिजेंटल लेवल. क्या वो ये दोनों एक हॉरिजेंटल लेवल पे है? बिल्कुल नहीं. अगर एक ही हॉरिजेंटल पे लेवल पे होता तब ये ओ सी लाइन भी हॉरिजेंटल होता, और तब वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर ट्रैक किधर होता, वर्टिकली अपवर्ड. तब वर्टिकली अपवर्ड कोई पार्टिकल अगर लीव करेगा है ना ऑन एनी ट्रैक, तो फिर वो तो आगे या पीछे नहीं जाएगा, वो सीधा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा. ठीक है ना, कारण वर्टिकली अपवर्ड जब कोई प्रोजेक्शन आप करेंगे तो वो किसके कमांड में होगा, ओनली जी, सिर्फ जी के अगेंस्ट में होगा. पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर दिए, जी नीचे, तो कोई साइडवाइज फोर्स भी नहीं है, साइडवाइज मोमेंटम भी नहीं है, फिर वजह ही नहीं है आगे या पीछे जाने का, तो सिर्फ ऊपर जाएगा, वेलोसिटी जीरो होगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा. तो यहाँ चूंकि ये हॉरिजेंटली फॉरवर्ड जा रहा है, तो इससे एक बात तो तय है ना, क्या तय है, इससे एक बात कन्फर्म हो गया है कि ओ ए एंड ओ सी आर नॉट अपीयरिंग सेम हॉरिजेंटल लेवल. अब देखिए, मैं ओ सी का लेवल को अगर ध्यान दूँ, ओ सी का लेवल और ओ ए सॉरी हॉरिजेंटल लाइन जो सी डी है उसका और ओ ए का लाइन में एक वर्टिकल गैप है एच. तो मैं अगर ये वाला जियोमेट्री देखूँ, ये ओ, ये सी, ये थीटा, ये रेडियस आर, तो इस साइड को मैं आर कॉस थीटा लिख सकता हूँ. इसका मतलब ए और सी के बीच में वर्टिकल हाइट का गैप है आर कॉस थीटा, जो हाइट है वो गैप है आर कॉस थीटा. यानी कि पार्टिकल ए से सी में आने पे वर्टिकल हाइट लॉस हो रहा है आर कॉस थीटा. तो वर्टिकल हाइट लॉस के साथ साथ कौन सा एनर्जी रिलेट करता है, पोटेंशियल एनर्जी. तो हाइट लॉस क्या, यानी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ. तो जो लॉस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का होगा वही वजह होगा काइनेटिक एनर्जी बनने का, है ना. द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द मूवमेंट अलॉन्ग द वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक व्हाइल कमिंग फ्रॉम ए टू सी. ठीक है, तो नेट जो वर्टिकल सर्कुलर वर्टिकल प्लेन पे, स्मूथ वर्टिकल प्लेन पे, चाहे वो ट्रैक सर्क्यूलर हो, स्ट्रेट हो, कोई भी जिगजैग लाइन हो, अगर पार्टिकल कंटिन्यूसली उस ट्रैक के कॉन्टैक्ट में मूव करता है, और प्रोवाइडेड ट्रैक अगर स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, तो कहीं एनर्जी खर्च होने का, लॉस होने का चांसेस नहीं है. एक फॉर्म का एनर्जी लॉस होगा वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा.
यानी कि यहाँ से यहाँ आने में जो वर्टिकल हाइट लॉस हुआ, तो हम इसको कहते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वही लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी गेन का वजह बनेगा, कारण यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या था, जीरो, पार्टिकल को तो रेस्ट में छोड़ा गया था। तो इसका मतलब में हम लोग लिख सकते हैं फॉर द मोशन फ्रॉम ए टू सी तक जो मोशन है, उस मोशन में हम लोग लिख सकते हैं लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया एम जी इन टू एच है आर कॉस थीटा, और यही लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पार्टिकल का क्या हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से थीटा के टर्म पे हम लोगों को वेलोसिटी का इन्फॉर्मेशन मिला, दैट इज वी स्क्वायर इज 2gr cos थीटा, या v इक्वल टू रूट कर देंगे। तो फिलहाल इसको मैंने इक्वेशन वन के तरह लिख लिया। अब सवाल है कि जो ज्योमेट्री के हिसाब से देखा जाए, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और फिर ये रेडियल लाइन और ये टेंजेंशियल लाइन, तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री ये 90 माइनस थीटा, तो यानी कि ये वाला एंगल थीटा, तो प्रोजेक्टाइल जो शुरू हुआ है, अगर मैं लास्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का इस पॉइंट को सी डी लाइन पे, लास्ट पॉइंट को पी अगर कह दूं, तो सी टू पी प्रोजेक्टाइल का हॉरिजेंटल रेंज, देयरफॉर हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है, हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया सी पी। ठीक है, इसी को हमने x से डिनोट किया। अब देखो ये C और P एक ही हॉरिजेंटल लेवल पे है, पार्टिकल जाके उसी हॉरिजेंटल, जिस पोजीशन से लीव किया सर्कुलर ट्रैक को, वहाँ से जो हॉरिजेंटल लाइन है उसी हॉरिजेंटल लाइन तक वो मैक्सिमम कितना ट्रेवल कर पाएगा, तो वो हो गया CP। अब हम लोग जानते हैं प्रोजेक्टाइल का हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला होता है जनरल टर्म में यू स्क्वायर साइन 2θg, है ना। हम लोग प्रोजेक्टाइल का रेंज के बारे में जानते हैं, और वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2θg। तो यहाँ हम लोग यू की जगह वी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जनरल टर्म में मैं वी दिखा रहा हूँ। तो रेंज के लिए यहाँ फॉर्मूला लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इंटू साइन 2θg, जो कि यहाँ x है। तो अगर मान लीजिए उस x को हम लिखना चाहें वी स्क्वायर साइन 2θg, तो अब सवाल है x का मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको तुरंत लगेगा अरे सर थीटा तो वेरिएबल है, साइन 2θ जब 1 होता है तब ये मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन हमको तो ये भी ध्यान रखना है कि वी वो खुद भी थीटा डिपेंडेंट है, तो यानी कि पूरा को मेरे को पहले थीटा पे लिख लेना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ वी स्क्वायर आई कैन राइट डाउन 2gr cos थीटा, जो कि वी स्क्वायर का वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2gr cos थीटा दैट इन टू साइन 2θ डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ g कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, x इक्वल टू 2gr cos थीटा इन टू साइन 2θ। तो दो टर्म है थीटा पे, एक ही वेरिएबल है थीटा, लेकिन दो टर्म है, एक साइन और एक कॉस, और हम लोग जानते हैं कि दोनों का जो है मोनोटोनसिटी डिफरेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो 0 से 90 में साइन जहाँ इंक्रीजिंग है वहीं कॉस डिक्रीजिंग है, इसीलिए दोनों एक साथ तो मैक्सिमम या मिनिमम है। वो भी अगर दोनों सेम एंगल होता साइन थीटा कॉस थीटा, तो दोनों को लेके एक टर्म साइन 2θ बना देते, लेकिन एक है कॉस थीटा दूसरा है साइन 2θ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा को थीटा मिलाने के लिए इसको तोड़ दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
तो तब पूरा टर्म हमारा यहाँ बन जाता है फोर, सॉरी जी तो कट गया था, फोर इंटू आर, ठीक है ना, जी यहाँ कैंसिल कर देते, फोर इंटू आर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। फोर इंटू आर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, अब दो वेरिएबल टर्म हो गया। अब एक्स मैक्सिमम है, डायरेक्टली एक के ऊपर डिपेंड होता तो हम लोग डायरेक्ट उसका टर्म का मैक्सिमम या मिनिमम, हमको इंडिविजुअली साइन और कॉस का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पता है, लेकिन डायरेक्ट उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कारण है दोनों मोनोटोनिकली डिफरेंट इंटरवल डिसाइड करता है, तो दैट्स वाई ये एक्स का वैल्यू हो गया। अब देखो फॉर एक्स मैक्सिमम, अब एक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम लोग थोड़ा क्या कर सकते हैं, कैलकुलस का मैक्सिमम मिनिमम यूज कर सकते हैं। फॉर एक्स मैक्सिमम वी कैन राइट डाउन डी एक्स डी थीटा इक्वल टू जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, हम जानते हैं कैलकुलस में आप अगर पढ़ चुके हो, एकदम क्लास 11 वाला बच्चा है वो अगर नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए मैं इसको जरूर बताऊंगा, ठीक है, कि डी एक्स डी थीटा जब जीरो होता है किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का, एक सीजन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन ट्रिगोनोमेट्रिक अपीयरिंग इन ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म बेस्ड ऑन थीटा, तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स को उसके डिपेंडेंट यानी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और उसका डिफरेंशिएशन को जब जीरो लिख देंगे तो उस जीरो से हमको उस पर्टिकुलर वैल्यू थीटा मिल सकता है जिसमें एक्स मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम। तो मिनिमम का यहाँ आर्गुमेंट नहीं है तो हम लोग पहले मैक्सिमम का ही देखेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स डी थीटा, तो इसमें कांस्टेंट टर्म है 4r, उसको बाहर रखें। अब देखो ये दो वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल पे दो टर्म है ना, थीटा पे ही दो टर्म है, तो एक टर्म को u दूसरा को v, फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का u इंटू v प्रोडक्ट फॉर्म। तो उसमें एक बार cos स्क्वायर थीटा को रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे डी डी थीटा और साइन थीटा, प्लस फिर साइन थीटा को रखेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे कॉस थीटा का डी डी थीटा ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से u इंटू वी फॉर्म का डिफरेंशिएशन होगा, दैट हैज टू बी इक्वल टू जीरो एज बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x। तो इसका मतलब है 4 इंटू आर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इज इटसेल्फ कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा चेन रूल, पहले होगा 2 कॉस थीटा, ठीक है, देन इंटू माइनस साइन थीटा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसमें से देखो पूरा में से अगर मैं कॉस थीटा भी कॉमन ले लूँ तो हमारे पास रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो माइनस रहा 2 साइन स्क्वायर थीटा जीरो। अब इंडिविजुअली ये एक्सप्रेशन का जीरो होना मतलब है दो थीटा कैरिंग टर्म का प्रोडक्ट जीरो, तो दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट आइदर कॉस थीटा इज जीरो, और है ना, जब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो होता है ए इंटू बी जीरो, यानी कि उसका मीनिंग हो सकता है इधर ए इज जीरो और बी इज जीरो, तो वही अगर ये जीरो है या ये वाला एक्सप्रेशन जीरो है तो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। अब पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन जो आ रहा है ध्यान से देखो कॉस थीटा इज जीरो, तो कॉस थीटा जीरो कब होता है जब थीटा 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता तो फिर तो सी ऐसे हो जाता, सी और एक लाइन पे हो जाता, तो फिर तो यहाँ वेलोसिटी जीरो, फिर तो प्रोजेक्टाइल कारण यहाँ का जितना काइनेटिक एनर्जी उसी लेवल पे काइनेटिक एनर्जी उतना ही होता। अगर मान लो ये थीटा 90 डिग्री, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है
कॉस थीटा इक्वल टू जीरो ये नॉट पॉसिबल, ये सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर दूसरा ऑप्शन ही जीरो मेकिंग फैक्टर हो सकता है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा और अदरवाइज टेन स्क्वायर थीटा इज वन बाई टू और टेन थीटा इज वन बाई रूट टू। ठीक है, तो यानी कि जो थीटा का वैल्यू है वो कितना आना चाहिए, अनडाउटेडली थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई रूट टू। ठीक है, तो इस तरह से देखो हमको वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ थीटा मिल गया जिस वैल्यू पे इस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो जीरो हो रहा है। और हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन का जब डेरिवेटिव जीरो होता है तभी जाके वो फंक्शन आइदर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू दे सकता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसलिए है क्योंकि एक्स का मिनिमम क्या हो सकता है, एक्स का मिनिमम जीरो, तो उस पर तो आर्गूमेंट नहीं हो सकता है हॉरिजॉन्टल रेंज पे, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ थीटा का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आया वो फंक्शन को मैक्सिमम बनाने का क्रिटिकल वैल्यू है। तो हमारा यही क्वेश्चन था कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट इन दिस डायग्राम इफ द पार्टिकल इज लिविंग फ्रॉम रेस्ट एट ए ऑन द स्मूथ वर्टिकल सर्क्यूलर ट्रैक लिविंग एट सी सो दैट इट कैन ट्रेवल थ्रू फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल थ्रू द पॉइंट सी। तो वो आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई रूट टू। तो शायद ये जो प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हैं साथ में थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम का भी एप्लीकेशन आया है ना, तो जो दोनों चैप्टर पढ़ चुके हैं दोनों को मिक्सअप करके ये क्वेश्चन बना। थोड़ा सा क्लास 11 के बच्चों के लिए एट दिस स्टेज थोड़ा सा लगा कि भाई इसमें तो फिजिक्स नहीं, थोड़ा मैथमेटिक्स का भी आर्गूमेंट आ गया, मैक्सिमा मिनिमा फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है। तो यही वो लेवल है जो आपको हायर लेवल की तरफ जाने में कॉन्सेप्चुअल ग्रिप बनाने में है ना आपको मदद करेगा। तो आपको इसी तरह से पढ़ते रहना है जहां आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है, और उसके लिए आपका हर एक चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग हर एक फॉर्मूला का जानकारी विद द प्रॉपर रीजनिंग आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक न्यू अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे, है ना। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो थैंक्स अ लॉट, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सपोर्ट करना है मेरे को ताकि ये और भी ज़्यादा बच्चों तक जा सके और ये जो यूज़फुल कॉन्सेप्चुअल कंटेंट है ये और भी बच्चे डिज़र्व करते हैं, उन तक भी इस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म के जरिए उन तक भी ये वीडियो को पहुंचाने में आप अपना पार्टिसिपेशन दीजिए। ओके, थैंक यू।